महाराष्ट्र के गृह मंत्री के हाथों फेस शीट का वितरण, तो गृह मंत्री के हाथों मजदूरों के लिए बस सेवा को हरी झंडी भी दिखाई गई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सचक हो गई है, जिसे देखते हुए आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भिवंडी के पड़गा आरोग्य केंद्र में फेस शीट का वितरण किया। बता दें कि भिवंडी ग्रामीण के प्राथमिक आरोग्य केंद्र पड़गा में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से महाराष्ट्र के लगभग 1,30,000 सरकारी और निजी डॉक्टरों को फेस शीट वितरण करने का संज्ञान लिया, जिससे लेकर आज गृह मंत्री ने इस आरोग्य केंद्र में उपस्थित डॉक्टर, आशा सेविकाएं और पुलिस दल के जवानों को अपने हाथों से फेस शीट वितरण करके कोरोना से बचने की हिदायत दी। तो वहीं पर भिवंडी बाईपास से अपने अपने गांव पैदल जा रहे श्रमिक मजदूरों को गृह मंत्री ने भोजन वितरित कर एसटी महामंडल बस की सुविधा करवाई और हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र सीमा बस को रवाना किया। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से आदरणीय शरद पवार साहब, इनकी सूचना हमको थी कि ये वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए से महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर्स हैं, करीबन 1,30,000 डॉक्टर्स महाराष्ट्र में सरकारी और गैर सरकारी है, उनको फेस शील्ड का वाटा हमने किया। आज यहाँ पे इस पंचायत समिति में पड़दा पंचायत समिति तालुका भिवंडी जिला ठाणे, यहाँ पे भी हमने जो महाराष्ट्र में जितनी भी आशा वर्कर हैं, आशा वर्कर और वार्ड बॉय जो है अस्पताल में जो काम करते हैं, उनको भी फेस शील्ड का वाटअप का एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने आयोजित किया था। उसका फेस शील्ड का वाटअप पूरे महाराष्ट्र में 60,000 आशा वर्कर को और वार्ड बॉयज़ को राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा यहाँ से होने वाला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।